शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड अंतर्गत मोहब्बतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 में जलापूर्ति में लगे मोटर में खराबी आने के बाद नल जल योजना से निकलने वाले जल पूर्णतः बंद हैं, जिससे लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। लगभग एक सप्ताह से मोहब्बतपुर पंचायत के महादलित टोले के वार्ड संख्या 5 में जलापूर्ति पूर्णतः ठप है, जिससे लोग पेयजल को लेकर दर बदर भटकने को मजबूर हैं। दर्जनों ग्रामीणों के मुताबिक नल जल योजना में लगे मोटर ठीक कराने को लेकर उन्होंने 30 रुपए प्रति घर चंदा इकट्ठा कर वार्ड सदस्य के पास पैसे भी जमा करा दिए, बावजूद इसके नल जल योजना चालू नहीं हो सका। इसको इसलिए गिराए हैं कि पानी आ सक रहा है, फिर भी इतना गिराने पे भी पानी नहीं आता है, बताओ। अच्छा, पानी में नहीं आने के कारण गिरा कि पानी आवे, फिर भी पानी नहीं आता है। अच्छा, ठीक, दिक्कत की है पानी को यहाँ, बहुत तरह के तकलीफ है और पानी बहुत जल्दी उपाय किया जाए, मतलब टोला में। अच्छा, हम सब बता रहे हैं लेकिन पानी की बहुत समस्या। शेखोपुर सराय प्रखंड क्षेत्र में अधिकांश नलजल का बोरिंग एवं उसका रखरखाव का जिम्मा पीएचडी विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन पीएचडी विभाग के कर्मी और संवेदकों की आपसी सांठगांठ की वजह से और भारी लूट खसोट के चलते इसका खामियाजा आम लोगों को आए दिन उठाना पड़ रहा है। इस भीषण जल संकट के बीच गांव के ही एक निवासी चंदू पासवान के घर से महादलित समाज के लोगों को लगातार मोटर के जरिए पानी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन एक घर पूरे गांव की प्यास बुझाने में कितना कारगर होगा, ये बड़ा सवाल है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ लाइव, शेखपुरा।